पिछले रविवार को डेट्रॉयट शहर में अमेरिका का एक डाकिया देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमेरिका का डाकिया भारत के डाकियों की तरह साइकिल पे कार्डियो करके चिट्ठी देने नहीं आता। यह है अमेरिका का मेहनती डाकिया स्टीवर्ड मैथ्यू, जो कि अपने वाहन से डाक डाल के अपने परिवार का पालन पोषण करता हुआ। सुबह सुबह डेट्रॉयट शहर में नाश्ता करने का कार्यक्रम बना। अमेरिका की एक प्रसिद्ध पनेरा कंपनी का यह बेहुदा सैंडविच खाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। यह सैंडविच इतना ठंडा था कि मुझे इसे खा के जुकाम हो गया। यह सैंडविच इतना हार्ड था कि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसे बॉम्ब के रूप में यूज करके दूसरे देशों की सरकार भी बदल सकता है। दूसरे देशों में डेमोक्रेसी लाने का ऑफिशियल स्पॉन्सर पनेरा सैंडविच। दुख तब और होता है जब आप अमेरिकी इतिहास को देखते हैं, जहां वाइट यूरोपियंस द्वारा नेटिव अमेरिकन्स को रोंद के यूएस जैसे कंट्री का निर्माण किया गया। इतनी मेहनत और खूनी लड़ाइयों से लैंड छीनने के बाद इन गोरे लोगों ने इस लैंड पे खोला विश्व का सबसे वाहियात सैंडविच स्टोर पनेरा। मेरा ऐसा निजी विचार भी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भी अपनी कब्र में इस गिल्ट के मारे करवटे बदल रहा होगा कि क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इस देश को डिस्कवर किया था। सच कहूं तो शायद यहां तक भी कहना गलत नहीं होगा कि यह सैंडविच इतना पुराना और ठंडा लग रहा था कि इसे सैंडविचों की दुनिया का जो बाइडेन भी कहा जा सकता है। सैंडविच इतना ठंडा कि खुद बाबा रामदेव ने भी कहा कि पनेरा सैंडविच को गठिया के दर्द कम करने के लिए आइस पैक के रूप में भी यूज किया जा सकता है। मलकागंज और नोएडा का माल फूक के अपनी ब्रेन सेल के परखच्चे उड़ा चुके मेरे फुकेड़ी दोस्तों के लिए एक मनभावन खबर। अमेरिका में मैरिजुआना अब बहुत से स्टेट्स में लीगल है। पिछले दिनों तो खबर ये भी आई कि कुछ हरियाणा से आए नौजवानों ने डेट्रॉयट का मैरिजुआना फूक के 8 माइल्स पे मैं जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा तेरी पिस्टल ते महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा गाने पे डांस भी किया था। दो देशों में सुगम कल्चरल एक्सचेंज कराता हुआ अमेरिका का मैरिजुआना। यह अमेरिका का सीआर पार्क। इस मोहल्ले का नाम है बांग्ला टाउन, जहां तकरीबन 100 लोग और 1000 मछलियां रहती हैं। कुछ बंगालियों को गर्व के साथ ये कहते हुए सुना है कि अमेरिका के इसी जगह पे सत्यजीत रे ने अपनी मूवी अभिजान की स्क्रिप्ट लिखी थी। ये वही फिल्म है जिससे प्रभावित होके अमेरिका के गुज्जर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने टैक्सी ड्राइवर जैसी महान फिल्म बनाई। गाड़ी के बाहर से मुंह निकाल के अमेरिका की ठंडी फिजाओं का आनंद लेते हुए कुछ एलीट कुत्ते बुलडॉग। यह अमेरिका का दबंग हामिद, जिसने कि अपना ही नाम गाड़ी की नंबर प्लेट पे लिखवा दिया है। ऐसे नज़ारे दिल्ली, गुड़गांव और राजस्थान में तो आम हैं, जहां लोग अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट पे जाट, गुजर, ब्राह्मण, राजपूत लिखवाते हैं। लेकिन अमेरिका में भी ये सीन देख के पहली बार घर जैसा मधुर एहसास हुआ। हालांकि प्रेमचंद के फैन गंगा भाई ने बताया कि ये हामिद अपनी माँ को चिमटा देने के लिए इस गाड़ी से जा रहा है। डेट्रॉयट का बर्बाद हो चुका एक पुराना थिएटर, जहाँ पे लोग हिप हॉप बजा के माल फूकने आते हैं। डेट्रॉयट में मिले मुझे ये मस्त मोला ट्रैफिक पुलिस वाले भैया। हाय, हेलो, यू आर ट्रैफिक कंट्रोल। This is my second day, so I'm just recovering from jet lag and I'm yet to come into terms with the fact that I'm in US. My mind is still not processing it. I understand. That is John Lewis Arena. What is this hand? John Lewis. He's a... इन्होंने मुझे बताया इस हाथ की मूर्ति के बारे में, जिसे कि अमेरिका के महान बॉक्सर जो लुइस की याद में बनाया गया। अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी के बॉक्सर की बात करें तो जो लुइस मोहम्मद अली और माइक टाइसन से भी पहले के बॉक्सर हैं, जो कि इसी डेट्रॉयट शहर से आते हैं। एक शहर सड़कों पर अपने कल्चर की यादें कैसे संजो के रखता है, डेट्रॉयट शहर उसका उत्तम उदाहरण है। शाम ढलने को आई। पनेरा सैंडविच के आतंक से परेशान होके हम भी भूख मिटाने के लिए मैक्सिकन फूड रेस्टोरेंट पहुंचे। मैक्सिकन खाना बहुत हद तक भारतीय खाने का एहसास दिलाता है। शायद इसीलिए यह भोजन मुझे बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार लगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस समय आलोचना करना जरूरी है, जो कि नेशनलिज्म की राजनीति के चक्कर में मैक्सिकन्स को रोकने के लिए वॉल बनाना चाह रहे हैं
एक असली देशद्रोही वही होगा जो अपनी जनता को टेस्टी मैक्सिकन खाने से वंचित रखे और राष्ट्रवाद के नाम पर उनके मुंह में पनेरा सैंडविच के ब्रेड के टुकड़े ठूसे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर अमेरिका को वाकई में ग्रेट बनाना है तो सबसे पहले पनेरा सैंडविच के बाहर इतनी बड़ी वॉल बननी चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर वहां तक पहुंच ना पाए।